ग्रीष्म ऋतु में पानी सप्लाई की निरंतरता को लेकर महापौर नीरज पाल ने जल कार्य विभाग के अधिकारियों की बैठक ली। बैठक ने महापौर में अमृत मिशन योजना के कार्यों की जानकारी ली, साथ ही पेयजल सप्लाई को लेकर अब तक किए गए कार्यों के संबंध में आवश्यक पूछताछ कर अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। शहर के अंतिम छोर तक पानी पहुंचाने ग्रीष्म ऋतु में पानी सप्लाई की निरंतरता को लेकर महापौर नीरज पाल ने निगम आयुक्त प्रकाश सर्वे की उपस्थिति में जल कार्य विभाग के अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में सभी जोन के आयुक्त भी शामिल हुए। महापौर ने अमृत मिशन के कार्यों, घर घर नल कनेक्शन, नवनिर्मित पानी टंकियों, फिल्टर प्लांट के रख रखाव आदि को लेकर जल कार्य विभाग के अधिकारियों से जानकारियां ली। साथ ही पेयजल सप्लाई में हर हाल में निरंतरता बनाए रखने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। बैठक की जानकारी नगर निगम के PRO PC सारवा ने दी। हाँ, देखिए माननीय महापौर जी ने जल कार्य विभाग की बैठक ली थी और यह पहली ऐसी प्रमुख बैठक थी जिसमें PDMC और जो इंडियन ह्यूमन पाइप हैं और आला अधिकारी जो जल विभाग से जुड़े हुए हैं वो इस बैठक में सम्मिलित थे। और इस बैठक में यह फैसला लिया गया कि जो समाधान करना है पेयजल की स्थिति को लेकर जो अमृत मिशन के तहत जो पाइपलाइन बिछाई गई है उससे सभी घरों में पानी पहुँचे, इसके लिए जो पेयजल की व्यवस्था, इसके लिए टीम बनाई गई है और वो जो टीम है वो सर्वे करेगी और सर्वे करने के उपरांत जो समाधान जिसका करना है वो अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी, जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई जो है वो किया जाएगा। इस बैठक में सभी ऐसे लोग मौजूद थे जो जल कार्य के विभाग से सम्मिलित थे और जो पानी सब घर पहुँचे इसका समाधान करने के लिए सभी मौजूद थे और सभी की एक टीम व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से भी तैयार की गई है, जो सर्वे रिपोर्ट होगी और जो सर्वे कार्य करेंगे उसकी भी रिपोर्टिंग जो है व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से की जाएगी। और शहर को पेयजल दिलाना, शुद्ध पेयजल दिलाना और अंतिम छोर तक पानी पहुंचे, इसके लिए जो है प्रयास किया जा रहा है, जिसके तहत में जो स्लाटर हाउस की पानी टंकी है उसका अंतिम छोर जो दुर्गा पारा वार्ड जो दुर्गा पारा जो मोहल्ला है वहाँ पर पानी पहुँचने लगा है। निश्चित रूप से अभी निगम जो प्रयास कर रहा है उसके मुताबिक जो है हर घर पानी पहुँचे इसका प्रयास निगम कर रहा है। गौरतलब है कि प्रत्येक वर्ष ग्रीष्म ऋतु में शहर वासियों को किसी न किसी वजह से पेयजल समस्या का सामना करना पड़ता रहा है। इस वर्ष ऐसी स्थिति बनने से रोकने महापौर नीरज पाल ने जल कार्य विभाग के अधिकारियों की बैठक ली। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए संजय दुबे।